हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। सुबह के 9 बज रहे हैं और लेट हो गया काफ़ी उठने के लिए। तो अभी प्लान ये है कि अभी हम लोकल साइट सीइंग करने वाले हैं। अभी बस देख सकते हो सब सामान बिखरा हुआ है। प्लान ये है कि आज हम लोकल साइट सीइंग करेंगे दोपहर तक, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे वडोदरा के लिए। अभी देखते हैं आगे जाके कुछ प्लान चेंज होता है क्या होता है। अभी तो फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, तो मैं आपको मिलता हूँ रास्ते में। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए, उदयपुर साइट सीइंग के लिए। तो अभी पीछे अपनी गैंग रेडी है, तो अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हो ये काफ़ी पुराना शहर है, और इसी वजह से ये गलियां हैं, यहाँ पे छोटी छोटी गलियां हैं। तो दिस इज श्री जगदीश टेम्पल। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं, दिस इज़ द सिटी पैलेस जो उदयपुर में है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये टिकट काउंटर है इनका। आई जस्ट गिव यू द डिटेल्स के इसके टिकट के क्या क्या कॉस्ट है। सो गाइस, हमने टिकट निकाल चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं अंदर। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस के अंदर। आप देख सकते हो दिस इज ब्यूटीफुल। और यहाँ पे इनकी ये पार्किंग है, मतलब गाड़ियाँ आप ला के यहाँ पे रख सकते हैं। एंड दिस इज़ द गेट, इसी गेट से हम अभी अंदर आए हैं। यहाँ से आपको पूरी उदयपुर सिटी का नज़ारा दिखता है। गर्मी इतनी है कि हमें आइसक्रीम का सहारा लेना पड़ रहा है। सो गाइस, दिस इज द एंट्री फॉर द म्यूजियम। यहाँ से हम अभी जाएंगे म्यूजियम में। गाइस, यहाँ पे बहुत भीड़ है। आपको ये जो दिख रहा है ये गन्स है, जिसको एक वॉच के जैसा इन्होंने बनाया। गाइस, अभी आपने जो देखा वो ये आर्म्स और एमिनेशन का म्यूजियम था, मतलब जो यहाँ के राजा महाराजा थे जो आर्म्स एमिनेशन यूज़ करते थे, ये उसी का मतलब उन्होंने एक म्यूजियम बनाया। सो दिस इज़ महाराणा संग्राम सिंह, और इन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो।
गाइस आप देख सकते हो दिस इज रियली ब्यूटीफुल। जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं। गाइज दिस इज उदयपुर फ्रॉम लेक सिटी पैलेस। देख सकते हैं हम यहीं से अंदर आए थे, ये सामने वाला जो गेट है। तो गाइस अभी हम सिटी पैलेस का पूरा टूर करके आए। ये राजा महाराजा की पुरानी चीज़ों का ये पूरा म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा है और छोटी छोटी गलियाँ हैं, मतलब इट्स ह्यूज। एटलीस्ट आपको ना आपको अच्छी तरह से देखना है तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे जाएंगे। तो चलो अभी हमने ये म्यूज़ियम देख लिया, अभी यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं। A few moments later. यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक कमेंट ज़रूर डालना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।